नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी हाजिर हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ में लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिकी। आर्थिकी में हमारी पहली न्यूज है, ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अगली न्यूज है हमारी कि NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण, मतलब NHAI ने अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ रुपए का लॉन्च किया है। NHIT यानी राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने 889 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों के लिए इनविट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये से अधिक उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण और भारतीय सड़क क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा लेन देन में से एक है। अगली न्यूज है हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की GDP दर, अन्य अन्य संस्थाओं ने भारत की GDP दरों का अपना अपना अनुमान बताया है। 3-4 संस्थाएं हैं, हम लोग सभी संस्थाओं को देखेंगे और सबका याद रखना जरूरी है, किसी भी संस्था का कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहली संस्था है मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP दर कितनी बताया है। पहले इसने 6.5% बताया था, अब 6.8% इसने कर दिया है। 2024-25 में भारत की GDP दर अनुमान किसने कितना कर दिया है, 6.8, पहले 6.5 बताया था। एक संस्था है S&P, इसने बताया है कि भारत की जो GDP की वृद्धि दर है 2024-25 के लिए 6.8, इसने भी 6.8 बताया है। अब इसने नवंबर 2023 में 24-25 के लिए वृद्धि दर 6.4 बताया था, 6.4 बताया था, जो कि 6.8 कर दिया गया है। 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6 वृद्धि होने का अनुमान इसने बताया है। उसके बाद अगली कंपनी है फिच। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी को 7% ग्रोथ रेट बताया है। फिच ने कितना बताया, 7%, इसने पहले कितना बताया था, 6.5%, अब बढ़ा करके सीधा 7% कर दिया गया है। इसने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपना मजबूत विस्तार जारी रखेगी। अगली संस्था है मूडीज। मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इसने कितना लगाया, 2024 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 कर दिया गया। देख रहे हैं दोस्तों, अधिकतर संस्थाओं ने 6.8 बताया है, तो अगर आपको ना भी याद रहे, 6.8 अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप मार सकते हैं। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 2024 में 6.1 बताया था। अगली न्यूज है कि माजुली मास्क। माजुली आप जानते हैं, माजुली एक द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ असम में एक द्वीप है। वहाँ के लोगों द्वारा एक मास्क बनाया जाता है। आइए हम लोग इसको ध्यान से शुरू से पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 4 मार्च को असम के माजुली मास्क को GI टैग प्रदान किया है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। माजुली मास्क को मिला है, पांडुलिपि पेंटिंग को भी मिला है। इन मुखौटों का उपयोग क्या होता है, मतलब मास्क वो जो दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान ये इस मुखौटों का प्रयोग करते हैं, उसी को इंग्लिश में मास्क कहते हैं। हस्तनिर्मित मुखौटों का उपयोग परंपरागत रूप से 15वीं से 16वीं शताब्दी के सुधारक जो है संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा ये शुरू किया गया था। माजुली मास्क जो है का उपयोग नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भावना एक नाट्य प्रदर्शन है, इसी में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि GI टैग जो है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जो अद्वितीय विशेषताओं और गुणों को दर्शाता है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, असम के नव वैष्णव परंपरा का केंद्र है। ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि तुम माजुली द्वीप जो है किस परंपरा से संबंधित है, वहाँ पर किस परंपरा का केंद्र है, तो नव वैष्णववाद का केंद्र है। ठीक है, अगला GI टैग है कटक की चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया है। ये हम लोग जानते हैं GI टैग कई वस्तुओं को दिया गया है, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं। जो मैगजीन में दिया गया था, जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट होगा तभी दिया गया था। कटक की प्रसिद्ध चांदी तरकसी
ये ब्रांड है चांदी तरकसी, को 3 मार्च को GI टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? कटक उड़ीसा का है। उड़ीसा के राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को चांदी तरकसी के लिए GI टैग का अनुरोध करते हुए आवेदन किया था। अगली न्यूज है हमारी कि भारत 2031 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तो क्रिसिल नाम की एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, ने अगले वित्त वर्ष भारत की GDP दर इसने भी बताया है 6.8 रहेगी। भारत की GDP दर अगले वर्ष 6.8 रहने का अनुमान लगाते हुए इसने कहा कि 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा। अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग ने इंडिया आउटलुक, ये पूछा जाता है इंडिया आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था, कौन सी संस्था जारी करती है? तो क्रिसिल जारी करती है। ने कहा है, मतलब इसने अपनी रिपोर्ट इंडिया आउटलुक में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय स्थितियों का समर्थन मिलेगा। इसने चालू वित्त वर्ष में उम्मीद से बेहतर 6.7% वृद्धि रहने के बाद भारत की वास्तविक GDP वृद्धि वित्त वर्ष 24-25 में थोड़ा मध्यम होकर 6.8% रहने का अनुमान है, इसका कहना है। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार अगले 7 वित्त वर्षों में, मतलब 2024-25 से 30-31 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार करके 7 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। इस अवधि में 6.7% की अनुमति औसत वृद्धि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। और भारत, इसका कहना है कि भारत वर्तमान में 3.6 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030-31 तक 7 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच जाएगी, इसका ऐसा कहना है। इसके आगे अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी है और 5वें नंबर पर हमारा भारत है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर मैंने आपके काम की बातें बताई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।